हीस कि दर को हो दश्त है मजद अब्र बहार, मस्तरन्नम हेजार तोती व दर्राज सार। हीस के दर को हुए दश्त, उठ के दर को हो दश्त, कि देख पहाड़ और बयाबानों में खेमजद अब्र बहार हेमा लगाए हुए हैं। अब्र बहार यानी बहार के बादल। तर्जुमा यूँ बनेगा कि उठो और देखो कि पहाड़ों और बयाबानों में बहार के बादल ने खेमा लगा लिया है। मस्तरन्नम हज़ार तोती व दर्राज सार, यहाँ चार परिंदों का ज़िक्र आया है। मस्तरन्नम यानी वो गीत में मगन है, हज़ार बुलबुल को कहते हैं, तोती यानी तोता, व दर्राज तीतर, और सार यानी कि मैना। कहना चाहते हैं कि जब बहार आ चुकी है तो परिंदे भी गीत में मगन हो चुके हैं, तरन्नम मस्तरन्नम। और वो कौन कौन से परिंदों का ज़िक्र आ रहा है? बुलबुल का, तोती या तोता, तीतर दर्रा तीतर को कहते हैं, और सार मैना को कहते हैं। तो तर्जुमा दोबारा शेर पढ़ता हूँ, उसका तर्जुमा भी। हीस के दर को हो दश्त खेमजद अब्र बहार, मस्तरन्नम खिजार तोती व दर्राज सार। कि उठ देख और क्या देखो कि कोह दश्त में पहाड़ों और बयाबानों में बहार के बादल ने खेमा लगा लिया है, और बुलबुल तोती दर तीतर और मैना मस्तरन्नम यानी गीत में मस्त हो चुके हैं। अच्छा जी, दूसरा स्टेंजा है वो पढ़ते हैं। बर तरफ जुए बार किश्त गुल वो लालजार, चश्मे तमाशा ब्यार हेज के दर को हो दश्त खे मजद अब्र बहार। ये वही पहला स्टेंजा दोबारा रिपीट हो रहा है। बर तरफ जुए बार यानी नदी के दोनों इतराफ पर, बर तरफ यानी दोनों इतराफ़ पर, जुए बार मतलब के नदी के, तो नदी के दोनों इतराफ़ पर किश्त गुल वो लालजार, खेत बन चुके हैं गुल वो लालजार, गुल वो लाला फूलों के नाम है। तो कहते हैं कि नदी के दोनों इतराफ़ पर ऐसे खेत बन चुके हैं जिसमें गुल वो लाला के फूल खिल चुके हैं। और इसके आगे वो बड़े खूबसूरत बात करते हैं कि चश्मे तमाशा ब्यार, चश्मे तमाशा यानी ऐसी आँख ला जो तमाशा करे, जो देखे। चश्मे तमाशा ब्यार कहते हैं लाने को, तो चश्मे तमाशा ब्यार ला ऐसी आँख जो इस चीज़ को, इस हसीन नज़ारों का तमाशा करे। यानी यहाँ पर बहार की आने पर खूबसूरत नज़ारों को देखने के लिए एक आँख लाने की तरफ तवज्जो दिलाई गई है। ये निज़ार है कि इसको देखने के लिए भी एक शौकीन आँख होनी चाहिए। तो चश्मे तमाशा ब्यार। अगला फिर वही मिसरा है कि हेज के दर को हो दन, हेज के दर को हो दश्त ही मसद अब्र बहार, कि उठो और देखो कि पहाड़ों और बयाबानों में बहार के बादल ने अपना हेमा लगा लिया है। तो दूसरा जो मिसरा है इसमें भी हुस्ने बहार की तरफ इशारा किया गया है और इंसान को उस तरफ खींचा गया है कि उसको देखे। अलामा इकबाल साहब की इस नज़म का तीसरा मिसरा है, तीसरा बंद कह सकते हैं आप। कहते हैं हेज के दर बाग़राग, हेज के दर बाग़राग काफिला गुल रसीद, बाद बहारान वजीद मुर्ग नवा आफरीदन, मुर्ग नवा आफरीद या आफरीदन। हेस के दर बाग़राग, देखो कि बाग़ों में भी
और दामने कोह में भी, राह कहते हैं पहाड़ों के जो दामन होते हैं। काफिला गुल रसीद, फूलों का काफिला आम पहुंचा है। ज़ाहिर है जब बहार होती है ना, अगर स्पेशली अगर आप नॉर्दर्न एरियाज़ में जाएँ ना पाकिस्तान के, तो ये कुमराट की वादियों की जानब, तो आपको अंदाज़ा होगा कि काफिला गुल रसीद, वहाँ फूलों के काफिला पहुँचाता है जब बहार आती है। बाद बहारां वजीद, और बहार की जो हवा है वो चल पड़ती है। मुर्ग नवा फरीद, और मुर्ग से मुराद यहाँ परिंदे मुराद हैं, और नवा से मुराद उनका गीत गाना, यानी परिंदों की चहचहाट आ पहुँची है। और अगली फिर वही बात कि हेज़ के दर को हो दश्त है मज़द अबरे बहार। उठो देखो कि पहाड़ों और बयाबानों में बहार के बादल ने अपना हैमा लगा लिया है। यानी वो ये चीज़ें फितरत की आपको बुला रही हैं, दे आर कॉलिंग यू टू एंजॉय। और जो नेचर है ये यहाँ पर कमाल की पेश की गई है। बहार में फूलों का आ जाना, बादलों का आ जाना, और बागात में और दामने को में फूलों और खुशबुओं का सब बसेरा होना, इन मिसरे में ज़िक्र किया गया है। जी नेक्स्ट है, लाला गरेबान दुरीद, हुस्ने गुल ताज़ा चीद, इश्क गमे नो खरीद, हेज़ के दर बाग़ुराग़, काफिला गुल रसीद। लाला गरेबान दुरीद, यानी लाला के जो फूल हैं उन्होंने अपना गरेबान फाड़ दिया है। लाला फूल को कहते हैं, गरेबान से मुराद गरेबान है, और दुरीद फाड़ने को मुराद है। यह मुराद ये हो गया कि फूल कली से निकल के खिल चुका है। हुस्ने गुल यानी कि ताज़ा चीद, हुस्ने गुले ताज़ा यानी ताज़ा फूलों का जो हुस्न है चीद, वो चुन दिए गए हैं। इश्क गम नौ खरीद, इश्क गम नौ खरीद यानी इश्क ने नया गम ख़रीद लिया है। जैसे होता है ना साल नौ, नया साल, इसी तरह इश्क गम नौ यानी कि इश्क ने नया गम ख़रीद लिया है। अब ज़रा इस बात को समझाना चाहूँगा कि इश्क गम नौ, इससे मुराद ये है कि जब बहार का मौसम आता है तो आशिक अपने माशूक को और माशूक अपने आशिक को बड़ी बेचैनी के साथ याद करते हैं, और यूँ समझ लें कि अगर इसमें उनमें दूरी हो, जिसको हम कह सकते हैं कि एक दूसरे से फासला हो, तो फिर ऐसी सूरत में यूँ समझ लीजिए कि फिर ये बहार के मौसम में ही, जो कि खुशी का मौसम है, तो इसमें एक नया गम, नया रोग लग जाएगा। इश्क गमे नौ खरीद, और आप कहते हैं हेज़ के दरबा और राग, उठो के देखो बाग में और राग में, यानी पहाड़ों के दामन में फूलों का काफिला आन पहुंचा है। ठीक है,